जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का न्यू एडिशन का बुक, जिसमें हमारे चल रहा है भारत का भूगोल। और आज हम पढ़ेंगे 74वां एक्सरसाइज, हालांकि ये लास्ट एक्सरसाइज है आपका, भारत की जनजातियाँ। इसके बाद मास्टर वीडियो आएगा जिसमें आपका भारत का भूगोल पूरी तरह से कम्प्लीट रहेगा एक वीडियो में। साथ ही अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पर सर्च करना होगा अध्ययन केंद्र मैथ, यानी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आर एस अग्रवाल का और सगीर अहमद का मैथ का बुक चल रहा है न्यू एडिशन का। चलो स्टार्ट करते हैं भारत की जनजातियाँ। पहला प्रश्न यहाँ पे है, पनियान एवं इरूला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? पनियान और इरूला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? यह है केरल की जनजाति। पनियान और इरूला जनजाति केरल का है, ऑप्शन नंबर सी। दफला तथा सिंगपो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? दफला और सिंगपो जनजाति अरुणाचल प्रदेश में। दफला और सिंगपो जनजाति अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी सही है। लेपचा तथा भुटिया जनजाति किस राज्य में निवास करता है? लेपचा और भुटिया, यह है सिक्किम का। सिक्किम का जो स्टेट लैंग्वेज है वो नेपाली है, कई बार पूछा गया प्रश्न, याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजो जनजाति के लोग किस में रहते हैं? ओंजो जनजाति के लोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर ए। आदिवासी समूह सहाड़िया का संबंध किस राज्य से है? सहाड़िया का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान, राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? डोगड़ी राजस्थान की नहीं है, डोगड़ी आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में, जबकि भील, मीना और सहाड़िया ये राजस्थान की जनजाति है। भील, मीना और सहाड़िया। मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? मुंडा जनजाति है झारखंड, झारखंड। बिरसा मुंडा से याद रखो, बिरसा मुंडा से झारखंड। भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है? भील जनजाति मीन्स राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, तीनों का जहाँ मीन्स बाउंड्री अटैच करता है उसके आसपास में ये भील जनजाति पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भील जनजाति, ये तीनों जगह पे राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में देखने को मिलेगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही है कि तीनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में ये पाया जाता है। कुकी जनजाति के लोग रहते हैं, कुकी जनजाति मिलेगा आपको मणिपुर में, मणिपुर में कुकी जनजाति। ग्यारह खासी जयंतियाँ जहाँ भी आए तो आपका आंसर मेघालय होगा, चाहे वो जनजाति हो, पहाड़ी हो, नदी हो, झील हो, जो भी हो। ग्यारह खासी जयंतियाँ जनजाति कहाँ पे? अभी मेघालय। आबो जनजाति संबंधित है, आबो जनजाति है असम से, आबो जनजाति का संबंध असम से है। गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है? गोंड जनजाति है आंध्र प्रदेश में, गोंड जनजाति आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति निवास करती है? कुकी जनजाति निवास करता है मणिपुर में। कुकी जनजाति, रिपीटेड प्रश्न हो गया, कुकी जनजाति कहाँ निवास करता है? मणिपुर में। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सबसे अधिक किस जनजाति के लोग भारत में है? वह है गोंड जनजाति। गोंड जनजाति के लोग सबसे अधिक इंडिया में है। निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? मौसमी प्रवास से संबंधित है भोटिया। पढ़े होंगे घुमंतु भोटिया जनजाति, तो घुमंतु लगा था कि वो लोग घूम घूम के अपना जीवन निर्वाह करते हैं, और उसमें भोटिया मेनली जनजाति था जो मौसम के अकॉर्डिंग प्रवास करता है, वो घूमते रहता है। चेंचू जनजाति किस प्रदेश में निवास करता है? चेंचू जनजाति है आंध्र प्रदेश का, चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। ओराव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? ओराव जनजाति है झारखंड से, ओराव जनजाति झारखंड से। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? टोडा जनजाति है नीलगिरी पहाड़ी में, टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ी में, ऑप्शन नंबर डी। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? झारखंड में संताल सबसे बड़ी है, साथ ही मुंडा जनजाति भी आपको झारखंड में ही मिलेगा। अभी याद रखना है कि संथाल जनजाति कहाँ की है, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति ग्रुप है। गारो जनजाति, ग्यारह खासी जयंतियाँ एक साथ ही याद रखो, गारो दे दे, जयंतियाँ दे दे या फिर खासी दे दे,
सब आपको मिलेगा मेघालय। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही है, गारो जनजाति मेघालय। बोडो निवासी है, बोडो निवासी है गारो गारो पहाड़ी की। बोडो निवासी गारो पहाड़ी की मीन्स बोडो निवासी भी किसका हो जाएगा, मेघालय का। गद्दी लोक निवासी हैं, गद्दी लोक निवासी हैं हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है, सोम्पेन जनजाति मिलेगा निकोबार द्वीप समूह पर, निकोबार द्वीप समूह पर सोम्पेन जनजाति देखने को मिलेगा। साथ ही वहाँ पे आपको नेग्रिटो भी देखने को मिलेगा जनजाति। 24वां प्रश्न है, सहरिया जनजाति मुख्यतः निवास करता है, सहरिया करता है राजस्थान। ये प्रश्न रिपीटेड हो गया, सहरिया जनजाति कहाँ निवास करता है, राजस्थान में। भील जनजाति कहाँ निवास करता है, भील जनजाति करता है महाराष्ट्र में, याद रखना। भील जनजाति राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सब जगहों पे है भील जनजाति। भारत में निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपतित्व की प्रथा मानती है, बहुपतित्व की प्रथा कौन कौन सा जनजाति मानता है, तो जैन साड़ी और टोडा, जैन साड़ी और टोडा बहुपतित्व जनजाति मीन्स एक से अधिक शादी। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है, ये भी रिपीटेड प्रश्न हो गया, गौंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, गौंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है जंगल का निवासी, जंगल का निवासी। ऑप्शन नंबर ए। धूमकुड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है, धूमकुड़िया किस जनजाति की सामाजिक इकाई है, यह ओराव की, ओराव। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित राज्यों में से किस में अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है, हरियाणा में अधिसूचित जनजाति नहीं पाया जाता, जबकि केरल, जम्मू कश्मीर, गोवा, इन सब जगहों पे अधिसूचित जनजाति पाया जाता है। निम्नलिखित जनजाति में से कौन सा केरल में पाया जाता है, केरल में पाया जाने वाला जनजाति है चेंचू। अभी ऊपर पढ़े थे कि चेंचू जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो केरल में, उसी प्रश्न को अपोजिट करके पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है, जनजातीय समूह की पहचान हरियाणा में नहीं किया गया मीन्स वहाँ पर नहीं पाया जाता। थारू जनजाति कहाँ पाया जाता है, थारू जहाँ भी आए तराई प्रदेश, थारू जनजाति तराई प्रदेश में देखने को मिलेगा। आगे प्रश्न है हमारा 34वां। निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति समूह मणिपुर में पाया जाता है, मणिपुर में मिलेगा कुकी। अभी तक 3 बार ये प्रश्न आ चुका है और हमेशा ये पूछे गए प्रश्न में ही आया है, तो आपको याद करना होगा अच्छे से कि मणिपुर में कौन सा जनजाति है, कुकी जनजाति, कुकी जनजाति मणिपुर। ओहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है, ओहोम है असम से, ओहोम असम से, ये भी 2 बार आ गया अभी तक। नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति कौन सी है, दक्षिणी जनजाति है मीन्स दक्षिणी राजस्थान की जनजाति है गरासिया, गरासिया। ऑप्शन नंबर ए सही था। भील जनजाति भारत में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, यह मध्य प्रदेश, सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है, हालांकि राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में भील जनजाति पाया जाता है, पर सबसे अधिक मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ी से संबंधित है, नीलगिरी की पहाड़ी में कौन सी जनजाति है, बदगा, बदगा। ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी है, मीन्स कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश में बहुतायत मात्रा में है, वह है थारू, थारू। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है थारू जनजाति, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगह पर है। आगे प्रश्न दिया गया, एक तरफ जनजाति है और यहाँ पे किस जगह पे पाया जाता है वो आपको सुमेलित करना है, मीन सुमेलित करके बताना होता है। भील जनजाति मालवा में मिलेगा, भील जनजाति मालवा में, थारू जनजाति तराई, थारू जनजाति तराई, गोंड जनजाति जो कि भारत में सबसे अधिक है ये मिलेगा बस्तर में, बस्तर, और टोंडा जनजाति ये नीलगिरी में। फिर से रिपीट कर लो, भील जनजाति मालवा, थारू जनजाति तराई, गोंड जनजाति
बस्तर और टोडा जनजाति नीलगिरी में पाया जाता है। आगे सेम प्रश्न है आपको, मीन्स अच्छा इसमें सही जोड़ा कौन सा है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो थारू उत्तराखंड में बस एक ही सही है, थारू उत्तराखंड में बस ये सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। आगे प्रश्न दिया गया, एक तरफ जनजाति है और दूसरा तरफ क्षेत्र है, मीन्स ये किस पार्ट में पाया जाता है, सुमेलित करना है। बिरहोर मिलेगा झारखंड में, बिरहोर और मुंडा जनजाति झारखंड में पाया जाता है, भूटिया जनजाति सिक्किम में, भूटिया जनजाति सिक्किम, टोडा जनजाति मिलेगा तमिलनाडु में, टोडा जनजाति तमिलनाडु, और सेंटिनेलिस जनजाति अंडमान निकोबार, सेंटिनेलिस जनजाति अंडमान निकोबार। साथ ही नेग्रिटो का जिक्र नहीं किया गया है, पर वो भी आपको अंडमान निकोबार और कुछ कश्मीर के साइड भी आपको देखने को मिलेगा। जनजाति फिर सुमेलित करना है यहाँ पे, तो टोडा है तमिलनाडु में, टोडा तमिलनाडु, लेपचा सिक्किम, लेपचा सिक्किम और भूटिया भी सिक्किम, बिरहोर ये झारखंड और ग्यारो खासी तो मेघालय। फिर से रिपीट कर लो, टोडा तमिलनाडु, लेपचा सिक्किम, बिरहोर झारखंड, गारो मीन्स मेघालय, कहीं कि ग्यारो लिखा रहता है। जनजाति और क्षेत्र दिया गया है, फिर से प्रश्न सुमेलित करने कहा गया है। गद्दीस, गद्दीस है हिमाचल प्रदेश, गद्दीस हिमाचल प्रदेश, टोडा तमिलनाडु कई बार पढ़ लिए हैं, टोडा तमिलनाडु, खासी मेघालय और नगा मणिपुर। फिर से पढ़ते हैं, गद्दीस हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, टोडा तमिलनाडु, खासी मेघालय, नगा मणिपुर। लास्ट प्रश्न है आपका 46, जिसमें जनजाति दिया गया है और एक तरफ राज्य दिया गया है। ओराव जनजाति झारखंड, ओराव जनजाति झारखंड, खोड जनजाति ओडिशा, चेंचू जनजाति केरल और टोडिया जनजाति गुजरात। तो ये आपके 46 प्रश्न थे इस एक्सरसाइज में, मैंने कंप्लीट किया। इसके बाद आपका मास्टर वीडियो आएगा जिसमें भारत का भूगोल मीन्स 53 से लेकर 74 तक जो भी एक्सरसाइज है उसको हम उस वीडियो में कवर कर लेंगे, वो आपके रिवाइज प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ हम सेशन को एंड करते हैं। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।